दिल्ली के रंजीत नगर थाने के बाहर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है। मामला एक 7 साल की बच्ची से बलात्कार का है जो कल हुआ था और अभी तक उस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तरीके से पुलिस का रवैया सामने नज़र आ रहा है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की अनदेखी कर रही है, उनकी जांच में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि ना किसी तरह का जवाब मीडिया को दिया जा रहा है, ना ही लड़की के बच्ची के रिश्तेदारों को। और सुबह से हम लोग जितने भी है 100-150 जनते जो भी है गरीब बंदे सब प्रयास में लगे हुए हैं सर, हम इंसाफ के लिए। और हमें सुबह से अब तक किसी चीज़ का मतलब सिर्फ भरोसा दे रहे हैं कि SHO साहब आएंगे, हेलो और भी आएंगे, वो आपको इंसाफ करेंगे। लेकिन सुबह से अब तक सर हम लोग ने रोटी पानी कुछ भी नहीं खाया है, भूखे प्यासे हम लोग इनकी इंसाफ में जुटे हुए हैं। लेकिन सर इंसाफ समीना खातून ने पड़ोसी हूँ उसको, जैसे पूरा मामला था, छोटा लड़की था, गया मंदिर लंगर लेने के लिए गया, लड़का था 22 साल के, उसको ने किधरो ले गया, उसको साथ में गलत किया, क्या क्या नहीं किया, ये सब पूरे समाज मिलकर को पुलिस दरोगा सब मिलकर नहीं इस चीज़ के इंसाफ दोगे, वही इंसाफ मांगते हैं हमको दो। मैन रोड जाम किया हूँ, उसके बाद थाने वाला कह रहा है अब इंसाफ कल 1 बजे करेंगे। बच्चे को हालत बुरी हालत बना हुआ है, बच्चे को कोई उम्मीद, बच्चे को माँ को तबीयत खराब है, बच्चे को बच्चेदानी निकाला गया है बुरी तरीके से, बच्चेदानी खराब है उसका, खराब हो गया। और पुलिस वाले हमारे इंसाफ नहीं दे रहा, वो बच्चे शादी लायक नहीं है ना, उसके पूरे तहस नहस हो गया, उसका ऑपरेशन हो गया बच्चे को, हाँ तो बच्चे लगना चाहिए। मामला मतलब 7 साल की बच्ची है, उनका रेप हुआ, इसको देखो अपना लोग है, ये उसकी बुआ है, ये अपनी बुआ है, ठीक है। मेरे बच्चे साथ जो हुआ है उसका निसाब चाहिए, बहुत गलत हुआ है, निसाब चाहिए, उसका फांसी चाहिए। पीछे पीछे मतलब लड़की के साथ जो गया हुआ है, सरकारी कैमरा लगा हुआ सारा कुछ आया, छानबीन के लोग गली में गए हुए हैं, पुलिस वाले नहीं गए हैं, छानबीन करो। जब हम यहाँ आते हैं तो बोले अभी जाओ हमें 2 दिन का टाइम चाहिए, 2 दिन के बाद कहेगा हमें नहीं मालूम है, 2 दिन के बाद कहेगा पुलिस वाला हमें नहीं मालूम है। हाँ तो लड़की का यही बताइए, पुलिस वाला डंडा मारता है बच्चा के, हालत बोल तो सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर बच्चे का हालत बहुत खराब है। हमारी दिक्कत हम साहब हैं पीयूष जैन जी, इन्होंने बताया कि अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। बस सबसे बड़ा प्रश्न जो निकल कर आता है कि इतना सेंसिटिव मामला है, 2 दिन हो चुके हैं और 7 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, इसमें अभी तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या मजबूरियां हैं, क्या वजह हैं, इसके बारे में अभी तक पुलिस का कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आया, कोई भी बयान सामने नहीं आया। सर क्या कुछ DCP मैडम ही बता पाएंगे आपको? तो मैडम आए हैं इस एरिया में, मैडम भी पूरी जांच कर रही हैं और मैडम भी इसी पे ही है, पूरा मतलब पूरी सारी टीम है। सर इतना सा था कि इतना सेंसिटिव मैटर है, मैडम को यहाँ पर होना चाहिए था, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ संवेदनाएं देनी चाहिए थी, लेकिन मैडम पीड़िता के साथ कल से हैं। जानकारी अभी फिलहाल नहीं है जो मीडिया से शेयर की है, कोशिश कर रहे हैं। नाम वगैरह लिख रहे हैं, अभी बीच में ये भी नाम वगैरह लिख रहे हैं, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो लोगों का कहना है और जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि तमाम तरह की CCTV फुटेज पुलिस को मुहैया करवा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी दूसरा दिन है आज और अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जो पीड़िता के परिजनों का कहना है, जो उनके रिश्तेदारों का या उनके पास पड़ोस के लोगों का कहना है कि आखिर इस मामले में देरी क्यों की जा रही है और जिसका अभी तक पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। क्या
एक बहुत बड़ा प्रश्न इस वारदात से सामने आया है कि आखिर इतने जघन्य अपराध के बाद भी लोगों को इंसाफ लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है इंसाफ के लिए। यहाँ पर एक देख सकते हैं किस तरह का हजूम सड़कों पर उतर आया है कि आखिर उनको इंसाफ चाहिए। मेरा नाम खालिद हुसैन है, मैं समाज सेवी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसको जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द पकड़ के हाजिर किया जाए इन लोगों के सामने, क्योंकि इन लोगों की डिमांड यही है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, सबसे बड़े अधिकारियों ने भरोसा भी दिलाया है, उनसे भी बात भी हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम दो, हम उसको हो सकता है कल तक परसों तक उसको आपके सामने लाके हाजिर करूं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।